Hello guys. Anubhav, how are you? I'm fine, Anubhav. हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? और आई एम रूपाली और आज हम फिर से लाइव हैं आपके साथ। और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, आज हमारे साथ अर्शी खान हैं और हमसे खूब सारी बातें करने वाले हैं। क्या कुछ हम जानने वाले हैं उनसे कि वो क्या कुछ कर रही हैं। और अब आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें क्वेश्चंस भेजिए, हम अर्शी से पूछेंगे। और हम जल्दी लाइव आने वाले हैं उनके साथ। Yes, hi all, hi Imran, I'm fine. बस अर्शी हमारे साथ कुछ ही देर में ज्वाइन करने वाली हैं। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं अर्शी से तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। Yes, hi, hi Sunny, I'm fine. How are you, Sunny? Hi Salman. Hi Shiv, I am good. Hi Shahrukh, I am fine. Ask, yes, I am good. She is coming first and अभी हम खूब सारी ढेर सारी बातचीत करेंगे अर्शी के साथ। Hi, hello everyone. Hello Rupan, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मैं आपको हाई लिख रही हूँ कंटिन्यू, लेकिन आप चेक कर रहे हो, आप अक्सर okay. आप फातिमा से बात कर रहे हो। एक्चुअली क्या है, हमारे फैंस भी बहुत जरूरी है। फैंस की हमेशा शिकायत रहती है कि आप हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं देते, और आपके लिए तो वैसे भी फैंस सुबह से वेट कर रहे हैं। कैसी है आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, लुकिंग वेरी ग्लैमरस। क्या बात है, बहुत प्यारे लग रहे हो आप, वेरी फ्रेश। क्या बात कर रहे हैं, यही हो रहा है ना? मोदी जी ने छुट्टी दी है और मोदी जी ने कहा है कि आराम से सो अर्शी खान, तो मैं आराम से 4-4 बजे सोकर उठ रही हूँ। तो मतलब ये अगर पूछा जाए तो मतलब सोने का राज है कि आपके इतना फेस पे ग्लो है, तो नींद पूरी हो रही है आपकी? हाँ, नींद बहुत अच्छी पूरी हो रही है और मोदी जी ने कहा है कि आराम से घर पर रहो, बी सेफ, तो उसका ज्यादातर फायदा मैं ही उठा रही हूँ और कोई नहीं उठा रहा, मैं उठा रही हूँ। और क्या कुछ करते हो आप घर में? काम तो पूरा करना ही पड़ता है, घर का तो जो काम है वो तो करने हैं। अभी हमारी सर्वेंट तो आ नहीं रही है, तो खाना बनाना है, झाड़ू करना है, पोछा लगाना है। ओ गॉड, मतलब इतना ज्यादा काम रहता है ना, मतलब मैं सोच रही थी कि एक जो हाउस वाइफ होती है वो कितना काम करती है लाइफ के अंदर, मतलब मुझे तो बड़ा बच गई। और जो लोग काम करते हैं और फिर जॉब भी करते हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये सारी चीजें। यस, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मैं यही सोच रही थी कि हमारे साथ तो ऐसा है कि हम ट्रेवल करते हैं, काम करते हैं और हमारे साथ लोग करने वाले होते हैं, लेकिन जो लेडीज काम करने जाती हैं, फिर वो घर पर वापस आती हैं, खाना बनाती हैं, ओ गॉड, वो कितना हैक्टिक रहता होगा उनका, मतलब बिल्कुल बिल्कुल रहता होगा। तो आप कुकिंग भी करते हो? आप कुकिंग पसंद है आपको? यस, आई लव कुकिंग, बिकॉज बिग बॉस के अंदर खाना तो मैं ही बनाती थी, जैसे दाल और सब्जी जो है वो मैं ही हमेशा कुक करती थी, शिल्पा पराठा बनाती थी, लेकिन घर का खाना मैं ही बनाती थी, तो आई लव कुकिंग, मुझे पसंद है। बट कुकिंग के साथ मतलब मैं किचन साफ नहीं कर सकती, किचन साफ कर दो। शिल्पा का मेरा मुझसे हमेशा यही लड़ाई थी कि शिल्पा मुझसे कहती थी कि अगर खाना बनाओ तो खाने की जगह भी साफ करो। मैं कहती थी नहीं, तुम साफ करो, मुझको दो, मैं बनाऊंगी, फिर से साफ करो। तो ये बहुत लड़ाई होती थी। हाय अलका, तो अभी और क्या आज मैंने आपका टिकटॉक वीडियो रिसेंटली देखा, बहुत एंटरटेनिंग कर रहे हैं आप, बहुत एंटरटेन कर रही है। क्या बात है, टिकटॉक अचानक से कैसे? टिकटॉक
एक्चुअली क्या हुआ, मैं टिकटॉक यूज नहीं करती थी बिल्कुल भी, और जैसे कुछ इवेंट्स है तो उसके वीडियोस डाल दिया करती थी ज्यादातर, मैं इतना ज्यादा नहीं करती थी। और मुझे ना जैसे किसी का गाना है, सॉन्ग है, लोग परफॉर्म करते हैं, वो मुझे नहीं पसंद है। मैं अपनी अपनी बातें करती हूँ, मैं अगर परेशान हो गई हूँ तो मैं लोगों को बता दूंगी, ओ माई गॉड आज तो मेरे साथ ये हो गया। फिर अगर मैं रोटी बना रही हूँ जल गई तो वो भी बता दूंगी, हाथ जल गया। तो क्या होता है ना, पब्लिक ना ऐसी चीजों से ज्यादा कनेक्ट होती है। अगर आप ना उनको अपनी पर्सनल लाइफ ज्यादा शो करोगे ना, मतलब ऑल ओवर इतना जल्दी कनेक्ट नहीं होगी, लेकिन धीरे 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 पब्लिक बहुत अच्छे से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी तो वैसे आपने मुझे बताया कि आप अच्छी नींद पूरी कर रही है, और कैसे अपने आप का ख्याल रख रही है इस समय, क्योंकि इस समय तो बहुत टाइम मिल रहा है आपको अपने लिए। सी, मैं पहले न्यूज बिल्कुल नहीं देखती थी, अब मैं फुल न्यूज देखती हूँ, और न्यूज में मुझे पता चलता रहता है लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सलमान साहब का अभी अभी मैंने वीडियो देखा जिसके अंदर बोल रहे थे वो इंडिया की आवाम, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि मतलब वो जब आवाम आवाम वर्ड बोलते ना तो मुझे याद आ जाती कि मैंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था बिग बॉस के अंदर, आवाम सब जानती है, आवाम सब देखती है। तो वही जस्ट चेक कर रही थी एंड इट वाज अमेजिंग, मतलब लोग जो इतनी ज्यादा नाटक कर रहे हैं, रोडों पर निकल रहे हैं, अभी मुंबई के अंदर बांद्रा के अंदर इतने ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, तो बहुत डिफिकल्ट है इन सबको मैनेज करना, बिकॉज इंडिया की इतनी बड़ी तादाद, इतने सारे लोग हैं। आई होप, लेट्स सी। अच्छा, अगर हम बात करें बिग बॉस की, तो बिग बॉस 11 में आप घर पे थी, और कैसा एक्सपीरियंस था आपका? फेवरेट उस टाइम कंटेस्टेंट कौन सा था, और क्या कुछ चेंजेस आए उसके बाद? मेरा एक्सपीरियंस बिग बॉस के अंदर बहुत अच्छा रहा है। मैंने हमेशा से बिग बॉस की, बिग बॉस मेकर्स की, इंडिया मॉल की तारीफ की है, क्योंकि मुझे जो चीज की जरूरत रहती थी उस घर के अंदर वो मुझे हमेशा मिलती थी, चाहे आसपास के कंटेस्टेंट को उस टाइम वो नहीं मिलती हो, लेकिन अगर बिग बॉस को पता चल जाए कि मेरे कमर में दर्द है तो उसी टाइम मुझे हॉट पैक्स लगाने के लिए सारी चीजें, बाम हो कुछ भी हो, उसी टाइम भेजते थे। मतलब मेरी तो फुल सेवा की है उन्होंने, तो आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश थी बिग बॉस के घर में, उनको पता था कि मैं दूध की चाय नहीं पीती हूँ, तो मैं मिल्क की चाय, मतलब मिल्क पाउडर की चाय पीती हूँ, तो उन्होंने वो भी भेजा मेरे लिए बनाने के लिए, तो वो अच्छी चीज थी। एंड आफ्टर बिग बॉस कम्प्लीटली चेंज, जो लाइफ आपकी पहले थी वो बाद में नहीं रही, कंटिन्यू इवेंट्स चलते रहे, फिर हम लाइव शोज जो भी रियलिटी शोज थे उसके अंदर गए, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के साथ गए, तो चलता रहा कंटिन्यू, अभी भी दौर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बट जो अभी अभी जैसे लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे कंटेस्टेंट अभी बॉस के निकले, तो उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि लोग बंद हो गए, और आफ्टर बिग बॉस जैसे ही आप निकलते तो काम बहुत जल्दी जल्दी आता है, जो भी कंटेस्टेंट अच्छा रहा है उसके पास काम जल्दी जल्दी आता है, लेकिन अभी तो आई थिंक लॉकडाउन जून और जुलाई तक चलेगा, सो लेट्स सी। तो अभी पहले की बिग बॉस की बात करें, तो पहले आपकी जो बिग बॉस में काफी फ्रेंडशिप हुई होगी, काफी अच्छे फ्रेंड्स बने होंगे, तो अभी ऐसे कुछ कंटिन्यूशन में फ्रेंड्स हैं आपके बिग बॉस 11? देखिए, हमारे शो के अंदर लोग बहुत टेढ़े थे, बहुत अलग लाइफ थी सबकी, और सब एक दूसरे से इतना जल्दी मिलना जुलना पसंद नहीं करते, इवन मैं भी। शिल्पा बहुत मूडी है, शिल्पा के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन वो मूडी इंसान है, और वो शुरू से है। विकास से मेरी लड़ाई हुई, लेकिन ठीक है, अभी जो भी है इट्स ओके, अभी वो लड़ाई को हम खत्म है, भूल चुके हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया है। प्रियांश से भी मेरी बात चलती है, और आकाश से भी चलती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करते रहते, कंटिन्यू चलता रहता है। ज्योति थी, और शिवानी दुर्गा जो हमारे शो में थी, उनसे सबसे हाय हेलो सब चलता रहता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि, क्योंकि सब अलग अलग रहते हैं। अब ज्योति बिहार में रहती है, शिवानी दुर्गा दिल्ली में रहती है, सपना दिल्ली में रहती है, सारे लोग जो है वो अलग 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 रहते हैं, तो हाय हेलो हो जाता है लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती, बिकॉज सबके अपने अपने काम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी हम बिग बॉस 13 के बारे में बात करें, तो किसकी जर्नी आपको सबसे अच्छी लगी? सी, मुझे बिग बॉस 13 ठीक था, एज अ व्यूअर्स लोगों को बहुत पसंद आया है, लेकिन बिग बॉस के जो रूल्स रेगुलेशंस रहती हैं वो बहुत डिफरेंट रहती है। हमारे बिग बॉस में आप किसी को नहीं मार सकते थे, आप गाली गलौज नहीं कर सकते थे, आप किसी की पर्सनल लाइफ को नहीं लेकर आ सकते थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जो बिग बॉस के रूल्स में थे। लेकिन अभी बिग बॉस जो आया है,
वो फुल डिपेंड कर रहा था कि पब्लिक का व्यू क्या है, क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग किसकी जोड़ी को ज्यादा पसंद करना चाहते हैं, किसको निकालेंगे. ये जो बिग बॉस 13 था वो आई थिंक पब्लिक व्यू पे था ज्यादा, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा था. बट आई लाइक, अगर जर्नी का देखा जाए तो मुझे सबसे बेस्ट जर्नी लगी थी सिद्धार्थ शुक्ला की, एंड सेकेंड वन आसिम रियाज. दोनों का अच्छा था, दोनों का बेस्ट. और अगर हम बात करें सिद्धार्थ और शहनाज की, तो उनकी केमिस्ट्री कैसी लगती है आपको? सी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी और दोनों एक दूसरे को, मतलब लगता था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं. वो अलग ही दिखती है अगर आप किसी का भी देख लें. बहुत सारे ऐसे कपल्स निकले हैं उसके अंदर, जो फीलिंग, जैसे अगर आप बिग बॉस के अंदर हमारे सीजन के अंदर अगर देखते पुनीश बंदगी को, तो उनका भी फीलिंग था और अलग ही फीलिंग था. एक मतलब एक घर में रहकर क्या होता है ना, आप किसी और अलग जोन पर चले जाते हैं. लोग एक दूसरे से प्यार ज्यादा करने लगते हैं अगर जो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ. सो अच्छा था, गुड. लाइफ आगे है और आगे क्या होता है लाइफ के अंदर किसी को पता नहीं रहता है, बिकॉज फेब्रवरी हुआ है और बिग बॉस अभी कम्प्लीट हुआ है. अभी तो और हिमांशी और आसिम की भी केमिस्ट्री काफी अच्छी दिखने को मिली है उसमें. पारस माहिरा भी बहुत अच्छे हैं, मैंने तो माहिरा को सपोर्ट भी किया है और पारस भी बहुत अच्छा है. सभी अच्छे हैं, आसिम हिमांशी भी अच्छी है और पारस माहिरा भी अच्छे हैं, सभी ठीक है, क्या दिक्कत है. और अगर हम बात करें गाने की, जैसे अभी सिद्धार्थ और शहनाज का गाना आया था भुला दूंगा, आपने देखा वो गाना? नहीं, मेरे देखने से क्या होता है. और हम लोग, आपको कैसा लगा? आई थिंक लाइव हम अपना सेशन करें तो बेस्ट है. सिद्धार्थ की बात ना करें, या फिर आसिम की बात ना करें, या फिर बिल्कुल की बात ना करें. हम उन सबको हटा के दूसरी बात करें तो बेस्ट है ना, बिकॉज आई एम नॉट हियर फॉर बिग बॉस 13. ओके. अच्छा, अभी आप अपने बारे में बताइए, आपकी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? मेरा प्रोजेक्ट, मेरे शारिफ हाशमी के साथ एक वेब सीरीज आने वाली, आई होप सो इट विल रिलीज ऑन ऑन बालाजी. तो देखते हैं अभी, बिकॉज अगर वो इस सेशन में रिलीज हो जाता, बिकॉज इट वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छी वेब सीरीज है और उसको आई थिंक पब्लिक बहुत पसंद करेगी, बिकॉज स्टार कास्ट बहुत अच्छी है उसकी. तो आई होप रिलीज हो और उसका हम प्रमोशन करें जल्दी 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 जल्दी, तो मजा आएगा. अच्छा, और जैसे अभी जब हमारा लॉकडाउन बंद हुआ था, तो आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे और फिर कुछ रुक गए प्रोजेक्ट्स? मैंने अभी यही बताया था, मेरा दूसरा अभी दिन पहले इंस्टाग्राम लाइव था, तो मैंने यही बताया था कि 25th को मैं जाने वाली थी कुछ सॉन्ग्स के शूट के लिए, पंजाब जाने वाली थी मैं कुछ बड़े सिंगर्स है उनसे मीटिंग करने के लिए चंडीगढ़. लेकिन मोदी जी ने 23rd को कर्फ्यू कर दिया, 24th से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद हम ट्रेवल नहीं कर पाए, बिकॉज पूरा एयरपोर्ट भी बंद हो गया था. आई थिंक 24th कम्प्लीटली लॉकडाउन हो गया था, तो कहीं जा नहीं पाए, कोई शूट नहीं हो पाया. 26th मुझे सूरत जाना था, बाकी हमारे 6-7 जो कंटिन्यू बैक टू बैक इवेंट्स थे वो भी कैंसिल हो गए, तो अवार्ड शोज थे वो भी कैंसिल हो गए. तो नहीं, ऐसा कुछ एकदम से लॉकडाउन जो हुआ, पब्लिक को पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है आगे का, किसी को नहीं पता था कि इतना कंटिन्यू बैक टू बैक लंबा लॉकडाउन हो जाएगा. तो जितने भी काम थे, अप्रैल के जो काम थे वो सब रुक गए, मार्च के जो काम थे वो सारे रुक गए, जो अवार्ड शोज होने वाले थे 3-4 वो रुक गए. तो लेट्स सी, अभी तो वैसे भी जून तक पूरा कंप्लीट रहेगा, जुलाई के अंदर हमारे महाराष्ट्र में बारिश आ जाती है, तो बारिश में तो कुछ होने नहीं वाला है, बारिश में तो वैसे भी सारा. आपकी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, हाँ अभी आ रही है. तो अर्शी, आप अभी मुंबई में है, कहाँ पर है, के घर पर है अपने? आई एम इन मुंबई, मैं मुंबई. ओके, और आपके पेरेंट्स, फैमिली? मेरी फैमिली भोपाल में है और सब सेफ है, और उनको सबसे ज्यादा टेंशन यही लगी रहती है कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा वुहान, अगर देखा जाए तो इंडिया का वुहान अपना मुंबई ही बना हुआ है, महाराष्ट्र ही बना हुआ है. तो सबसे ज्यादा मेरी फैमिली को यही टेंशन रहती है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं नीचे भी चली जाऊं, क्योंकि मैं मोस्टली हमारे घर के अंदर पानी बहुत अच्छा आता है यहाँ पर सोसाइटी में, तो सब मोस्टली वो यूज करते हैं पीने के लिए, खाने के लिए, बट मैं बिस्लेरी का पानी ही यूज करती हूँ शुरुआत से. तो मेरा क्या होता है, या फिर बिस्लेरी की खत्म हो गई. आप
आपकी आवाज नहीं आप हेलो। हाँ अभी आई आपके, अभी आ मेरा गया। मेरा लैंडलाइन चल रहा है। हाँ जी तो तो बस यही कहना है कि आपको मेरा आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर थोड़ा सा एक दो दिन पहले आपको पता रहता कि लॉकडाउन मतलब लगने वाला है तो आप भोपाल चली जाती फैमिली के पास? नहीं जाती, मैं नहीं जाती। अच्छा मुंबई मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा केसेस हैं, तो मैं अपने आप को अपनी फैमिली के पास नहीं ले जाना चाहती थी, बिकॉज मैं इवेंट्स में गई हूँ, मैंने पार्टीज की हुई हैं, तो मैं लोगों से मिली हूँ, तो मुझे अपने आप को आइसोलेट आइसोलेट करना था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को घर में रखूँ तो बेस्ट है, बिकॉज 14-15 डेज मुझे अपने आप को देखना था कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं किसी पार्टी में गई और मुझे उस चीज का कोरोना का इफेक्ट हुआ हो। सो वी कांट ट्रेवल ना एकदम से कि हम अपनी फैमिली के ऊपर चले जाएं और इतने सारे लोगों बिल्कुल। से मिलके। और अगर आप बाय चांस कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप अपनी फैमिली को भी इफेक्ट पहुंचा रहे हैं इस चीज का। सो आई बिल्कुल मैंने बिल्कुल कहा बिल्कुल। मैं घर पर 14 डेज रहूं। वैसे मैं आपको बताती हूँ, रूपाली मुझे बहुत जुकाम था जब ये कोरोना का हुआ था, एंड मुझे कंटिन्यू 7 डेज फीवर भी आया, माइल्ड फीवर था। तो मैं इसी डर की वजह से मैं अपनी फैमिली के पास नहीं गई कि ऐसा ना हो कि मैं अगर वहां जा रही हूँ और बाय चांस मुझे कोरोना का कुछ भी सिम्टम्स रहे तो दूसरों को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-3 साल के, 4-4 साल के, 6-6 साल के। तो मैं इतना जल्दी ट्रेवल नहीं करती थी, मैंने पहले ही अपने माइंड में सेट कर लिया था। तो आपने फिर दिखाया डॉक्टर को, मेडिसिन यस वगैरह ली यस फिर मैंने आपने? डॉक्टर को दिखाया, इवन अपना टेम्परेचर भी चेक करवाया, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है आपको, बिकॉज मैंने मेरे एक फ्रेंड हैं वो जो 5 स्टार होटल्स के अंदर फ्रूट्स का डिलीवरी करते हैं, मतलब जो फॉरेन से जो फ्रूट्स आते हैं उनका डिलीवरी करते हैं, तो उन्होंने बहुत मतलब समझ लीजिए 25 kg मेरे घर के अंदर फ्रूट्स भेज दिए थे बिफोर लॉकडाउन, लॉकडाउन से पहले। तो मैंने वो फ्रिज में सारा सब कुछ भर दिया था, वो ठंडा ठंडा मैंने निकाल के रात के टाइम खा लिया मूवीज देखते देखते, तो मेरे चेस्ट में वो ठंडा ठंडा बैठ गया। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा आपको प्रॉब्लम है, वरना और कोई सीन नहीं। अच्छा हम एक छोटा सा सेगमेंट करते हैं आपके साथ, ठीक है ओके आई अर्शी? होप फर्स्ट कॉन्ट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी, नहीं होना चाहिए। नहीं कुछ भी नहीं, फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश। माय सेलिब्रिटी फर्स्ट क्रश, आई लव सलमान खान रियली। जब मैंने सलमान खान को जुड़वा में देखा था तो मैं बहुत ज्यादा चुस्त और मैं इतनी ज्यादा दीवानी थी सलमान के लिए कि मैं उस वक्त नमाज पढ़ती थी। आई वाज ओनली 9 to 10 years old आई थिंक। तो मैं सलमान के लिए नमाज पढ़ती थी और मैं कहती थी अल्लाह पाक अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरी शादी सलमान से करवा देना। सो माय फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश इज सलमान खान। फिल्म और वेब सीरीज? Which one? See, फिल्म और वेब सीरीज? I love films. मुझे films ज़्यादा पसंद। But I love old ओके movies like मुझे ऐसे अगर सलमान की मूवीज हैं तो मुझे पसंद है, शाहरुख की है तो पसंद है, आई लव रणबीर कपूर ऑल्सो, लेकिन मुझे मूवीज ज्यादातर ओल्ड फनी कॉमेडीज जो मूवीज होती है अमोल पालेकर की, संजीव कुमार की, दीप्ति नवल हो गई आर्टिस्ट, उन सब की मुझे ना बहुत अच्छा अच्छी लगती है। विंध्या गोस्वामी आई लव किल्ड इट मैन, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं वो लोग। ओके आपकी कोई ड्रीम? मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं जब भी शुरुआत करूं अपने करियर की इंडस्ट्री के अंदर, सो मैंने ये सोचा था कि मुझे सलमान के साथ ही काम स्टेज शेयर करना है। तो आई डोंट नो, अल्लाह का अच्छा शुक्र है कि मेरा वो फर्स्ट ड्रीम था, और उससे पहले मैंने कभी भी इंडस्ट्री के अंदर इतना इंटरेस्ट कभी नहीं लिया रूपाली, मैं कभी नहीं इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देती थी। लेकिन मुझे अभी यही था मेरा ड्रीम कि मैं अगर शुरुआत करूं तो सलमान के साथ करूं, तो वो ड्रीम पूरा हो गया इंशाल्लाह, और वो आगे भी भी जो पूरा हो होगा गया। और आगे भी जो होगा इंशाल्लाह हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपका कोई फेवरेट सिंगर, उसकी दो लाइंस भी आपको गानी मेरा फेवरेट सिंगर आई लव नुसरत है? साहब, मेरे नुसरत साहब मुझे अच्छा शुरुआत से ही पसंद है, तो मेरा उनका वो ही उनके गाने सुनती रहती हूँ, उनकी कव्वाली। मैं थोड़ी सी सूफियाना टाइप की इंसान हूँ, तो मुझे मैं हूँ बड़ी चटर पटर, लेकिन आई लव सूफियाना गाने, मुझे सूफियाने गाने पसंद है। तो कुछ दो लाइंस आपकी कोई भी फेवरेट? उसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, नुसरत साहब में मैं एक्सपर्ट हूँ।
शेख साहिब का ईमान बिक ही गया, देख कर हुस्न साकी पिघल ही गया। आज से पहले ये कितने मवरूर थे, लुट गई पारसाई मजा आ गया। अरे वाह वाह, की तो आवाज बहुत अच्छी है। हाँ मेरी ओ इवन माता पिता हाँ मेरे अब्बा भी यही बोलते कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है बेटा, तुम सिंगिंग भी करो। मैंने कहा आई विल ट्राई आप डेफिनेटली। नहीं, अभी थोड़ा सा और रियाज करेंगे ना, थोड़ा और सिंगिंग, तो सच में आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा पक्का रूपाली, फिर नेक्स्ट सेशन में अभी जब तो जाते अभी तो जाते गाना जाते एक गाना और सुनेंगे। नहीं मैम इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। अच्छा, कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट अभी तक लाइफ में का बहुत इमोशनल हुआ है? माई इमोशनल मोमेंट, यस आई विल टेल यू। जब मैं बिग बॉस से पहले जब मैं दुबई जाने वाली थी, और मतलब बिग बॉस मेरा 10 या 15 दिन पहले ही हुआ है, और मेरी मॉम के पास मैं जब गई थी कि मैं दुबई शिफ्ट होने जा रही हूँ, शी वॉज क्राइंग कंटिन्यूअसली क्राइंग, मतलब रोए जा रही रोए जा रही रोए जा रही। तो मैंने अपनी अम्मा से बोला कि इतना क्यों रो रही हो, और उनका रोना था एंड बिग बॉस की इंडिमॉल टीम की तरफ से कॉल आना था, मतलब वो रो रही हैं और 9 बजे रात को कॉल आ रहा है इंडिमॉल से। तो वो बड़ा इमोशनल था मेरे लिए कि ओम गॉड, मतलब ऊपर वाला माँ बाप की अगर आंसू गिरते तो वो सुनता है। और मेरी मॉम कह रही थी रुक जाओ तुम्हें काम जरूर मिलेगा, रुक जाओ तुम्हें काम जरूर मिलेगा। एंड उसी वक्त वो हुआ ना, तो मतलब वो बड़ा इमोशनल था मेरे लिए कि हाउ इट इज पॉसिबल यार, ऐसे कैसे हो गया। वो कहते हैं ना, बड़ों की दुआएं हमेशा काम आती हैं, वो डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, अगर हम बात करें ऐसे, आपको एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं आपसे, आपको लड़का कैसा पसंद है ऐसे? मुझे लड़का थोड़ा एटीट्यूड वाला अच्छा पसंद है मुझे, लेकिन आई लव स्पोर्ट पर्सन मुझे ज्यादा पसंद है लाइफ में। मेरा थोड़ा सा रुझान वहीं पे रहा है कि जो स्पोर्टी लुक वाले होते हैं वो मुझे ज्यादा पसंद है। मुझे पसंद नहीं है, मुझे सेल घमंडी लोग ज्यादा पसंद है। एटीट्यूड, बी एन एटीट्यूड। ओके, तो कोई ऐसा ऑप्शन है आपके मतलब सामने या दिमाग में कुछ ऐसा, कि इस तरह का लड़का चाहिए, इस तरह का लड़का पसंद है, या आगे आप कोई रिलेशन में इस तरह का लड़का? मुझे तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर मिलना चाहिए तो थोड़ा सलमान की तरह लुक होना चाहिए उसका, थोड़ा हैंडसम होना चाहिए। मतलब मेरी फैमिली का कहना है जब तुम इतनी अच्छी हो दुल्हन बनो तो दूल्हा भी तो अच्छा ही होना चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, अपनी फ्रेंड्स बात भी, हो रही फ्रेंड्स है। को भी एक मेरे बार हाय। बंदे को, मेरे बंदे ने लिखा कि अर्शी मर्द बोलती थी। सी आई लव मर्द, मर्दान मर्दांगिनी मर्दांगिनी क्या मर्दा मर्दांगी क्या क्या वर्ड है वो। मर्द मर्द ही होता है आई थिंक। मर्द को दर्द नहीं होता बेब। हाँ हेलो ओके। अच्छा, एक बार फैंस को आप हेलो हाय बोल दीजिए। फैंस आर वेटिंग, यू नो दे ऑल आर सेंडिंग हार्ट्स, और सब लोग हेलो हाय बोल रहे हाय हैं। अंशु, हाय अभिषेक, हाय रोहित, हाय राम, हाय सोनिया, हाय जावेद, अलका, अर्थ, ओके, तो आपका फेवरेट फातिमा, एंटरटेनर कौन है? इंटरटेनर इन अ व्यू। फेवरेट एंटरटेनर मींस एंटरटेनर, नॉर्मल एंटरटेनर। फॉर मी आई एम अ गुड इंटरटेनर। मैं अपने लिए, मैं जब हाँ, आपके तो अलावा पता है बेब, आप तो बहुत मैं अच्छे रूपाली, एंटरटेनर हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बेस्ट एंटरटेनर वो होता है जो अपने ही सीन्स देखकर हंसे। मतलब आप पब्लिक को हंसाने वाले, उससे पहले आपको हंसना पड़ेगा अपनी शक्ल देखकर, अपनी बातें देखकर। तो आई एम वेरी हैप्पी बिल्कुल। कि जब मैं अपनी चीजें, अगर मैं टिकटॉक के ऊपर भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है अपनी हरकतें देखकर। तो बेस्ट इंटरटेनर वही होता है जो अपनी चीजें देखकर हंसता रहे। एंड उसके अलावा अगर मैं देखूँ, फॉर मी बेस्ट इंटरटेनर मुझे गौरव गैरा बहुत पसंद है। गौरव गैरा बहुत अमेजिंग कॉमेडी करता है, उसका जो शॉपकीपर और वो जो जुफरा वुफरा के जो वीडियोस अपलोड करते रहते हैं वो इंस्टा के ऊपर, वो किलिंग है। मतलब बहुत बेस्ट है। मैंने उनका, मैंने बिग बॉस सीजन 11 देखा नहीं था, लेकिन अभी अभी मैंने वीकेंड के बाहर देखे, जिसमें वो मेरी नाइटी पहनकर आ रहे हैं और सलमान को छिड़ा छेड़ रहे हैं कि मैं बेगम हूँ, मैं बेगम जान हूँ, मैं नाइटीज में घूमती हूँ। माई गॉड, वो किल किल
किल कर दिया वो बंदा, बेस्ट था। ओके okay, अच्छा ऐसा कुछ लाइफ में आपके जो आपने नहीं किया और करना चाहती हैं? जो नहीं किया वो करना चाहती हूँ, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं जो चाहती हूँ वो इंशाल्लाह पूरा हो ही जाता है, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे पूरा होता है। लेट्स सी, एक बार सलमान को ऐसे वो ऐसे मारते हुए निकलना है करने वाली हैं आप? लॉकडाउन के बाद मैं सबसे पहले मैं जाने वाली हूँ, शॉपिंग करने वाली हूँ, उसके बाद मैं we all are missing. Yes, अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेकर मैं फिर खाना खाने के लिए कुछ अच्छा सा मैं मेन्यू जहाँ सबसे बेस्ट होगा मेरे हिसाब से फूड मिलता हो, अफगानी फूड मिलता हो, चपली कबाब एंड ऑल, लखनवी कबाब, ये सब तो मैं वहां पर जाके फुल डिनर करने वाली हूँ आराम से। एंड आई टेक माय वाइन, मैं वाइन लेने वाली हूँ अपनी, एंड आई लव वाइन, तो मैं जरूर वो सब अपना पूरा करूंगी कम्प्लीट। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ओके अच्छा लास्टली अपने फॉलोअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी, अभी लॉकडाउन है तो कैसे क्या कुछ करें? अभी यही कहूंगी कि घर पर रहें आराम से, मेरे तो जितने भी अर्शियंस हैं वो घर पर ही हैं, आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे बातें होती रहती हैं लोगों की, चलते रहती हैं इंस्टा के ऊपर चीजें, सो आई लव इट, मजा आता है। बाकी सब घर पर ही रहें और सेफ रहें और अपनी जिंदगी आराम से गुजारे, क्योंकि अगर घर पर रहेंगे तभी जी पाएंगे, वरना तो जी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अर्शी थैंक यू फॉर कमिंग लाइव एंड ऑल द बेस्ट आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, और हम जल्दी मिलेंगे, फिर साथ में डिनर भी करेंगे। चलिए ठीक है, ओके चलो बाय, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय। सो गाइस ये थी अर्शी और हम जल्दी मिलेंगे आपके साथ लाइव, तो आप हमें वैसे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप किसको देखना चाहते हैं आप लाइव में और क्या कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो आप हमें सजेस्ट करिए कि आप लाइव में हमारे साथ किस को और जोड़ें, तो बाकी का हम फिर मिलेंगे आपसे, जल्दी मिलेंगे लाइव में, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।